अच्छा बताइए, भगवान का हेड ऑफिस कहाँ है? कहाँ मिलेंगे भगवान? बताइए ईश्वर का हेड ऑफिस कहाँ है? कहाँ? भगवान का हेड ऑफिस कहाँ है आज मैं बताऊंगा, और वहां भगवान मिलते हैं। आप में से जितने यहां बैठे हैं सबको भगवान मिले हैं, उसी जगह मिले हैं जिस जगह मैं आपको आज बतलाऊंगा। भगवान का हेड ऑफिस कहाँ है? बोले भगवान मंदिर में मिले ना मिले, तीर्थों में मिले ना मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं, पर भगवान माँ के पेट में, माँ के उदर में, माँ के गर्भ में जरूर मिलते हैं, क्योंकि परमात्मा का हेड ऑफिस है माँ का पेट। क्या? भगवान का माँ का पेट। अब आप कहेंगे महाराज जी माँ के पेट में भगवान हाँ मिलते हैं। अच्छा ये बताओ, जब आप अपनी माँ के पेट में थे तो क्या आपकी माँ और आपके पिताजी आपकी आंख लगाने गए थे? आंख सही जगह पे लगी ना आपकी, कान भी सही जगह पे लगे हैं, हाथ पांव भी आपके सही जगह बिल्कुल फिट हैं, तो आपकी मम्मी ने सेट किया था कि पापा ने? माँ बाप की जो क्रिया है वो उन्होंने कर ली, आगे का काम ईश्वर का होता है। माँ गर्भवती हो गई, हो गई हो गई, उसके बाद अब परमात्मा का काम शुरू हुआ। सही जगह पर आंख, सही जगह पर कान, सही जगह पर मुंह। 9 महीने बैठा भगवान क्या करता है? अरे तुम्हें ही तो बनाता है। ये पूरी दुनिया में तुम्हें जो भी दिख रहा है, जितने भी मनुष्य दिख रहे हैं आपको, इन सभी मनुष्यों को परमात्मा ने कहां बैठकर बनाया ये बताओ? माँ के पेट में बैठ के बनाया। चाहे वो चींटी माँ हो, चींटी मादा, चींटी की माँ हो, चींटी भी अंडा रखती है तो वो अंडे की आकृति कहाँ बनती, अंडे में जान कहाँ डाली जाती है? माँ के पेट में। हथिनी गर्भवती होती है तो हथिनी का बच्चा भी उसके पेट पे, बिच्छू गर्भवती होती है तो बिच्छू का बच्चा भी उसके पेट पे, सर्पणी गर्भवती होती है तो उसका, मतलब पूरी दुनिया, मछली का बच्चा भी उसके पेट में ही डेवलप होता बनता। अर्थात परमात्मा ने पूरी दुनिया बनाई कहाँ बैठ के बनाई? ब्रह्मलोक में बैठ के नहीं बनाई, पाताल लोक में बैठ के नहीं बनाई, स्वर्ग लोक में बैठ के नहीं बनाई। भगवान ने दुनिया बनाई है तो माँ के गर्भ में बैठ करके दुनिया बनाई है। ये परमात्मा की भगवत्ता। अब कोई कहे कि ईश्वर है, इसका चमत्कार बताइए, कोई सबूत दीजिए, आज मैं आपको सबूत दे रहा हूं ईश्वर है, इसका सबूत आपको दे रहा हूं। जब तक आप माँ के पेट में होते हैं ना, आप पानी में रहते हैं। कहते हैं माँ के गर्भ में एक झिल्ली होती है जिसमें बच्चा होता है, उसमें पानी भरा होता है साहब। क्या भरा होता है? पानी। यदि पानी बाहर आ जाए ना तो बच्चे के मरने की संभावना बढ़ जाती है। डॉक्टर कहते हैं पानी खत्म हो गया, पानी बाहर आ गया। अब सोचिए कि माँ के पेट में भगवान पानी में रहता है, माँ के गर्भ में बच्चा पानी में, और वही बच्चा जब पैदा होता है उसके बाद आप पानी में डाल दो तो मर जाएगा। जब तक वो भगवान के हैंडओवर होता है, जब तक भगवान के पास होता है तो वो पानी में डूबा रहता है, परमात्मा से मरने नहीं देता। ये परमात्मा की कितनी बड़ी कृपा है। और जब बाहर आता है तो भगवान को फिक्र होती है कि ये बाहर तो जा रहा है, खाएगा क्या? खा तो सकता नहीं, दांत तो थे नहीं, तो भगवान ने माँ के आंचल में दूध की धार बहा दी। बच्चा जब तक पैदा नहीं हुआ तब तक माँ के स्तनों में दूध नहीं आया, और जैसे ही बच्चा बाहर आया उसी क्षण माँ के स्तनों में दूध की धार बहने लगी कि नहीं? क्योंकि भगवान को पता था कि इसे भेज रहा हूँ, पिएगा क्या? तो अमृत जैसा दूध माँ के स्तनों में परमात्मा ने डाल दिया। ये परमात्मा के होने का सबूत है कि नहीं? अब बताइए कि परमात्मा ने यदि, अब आप समझिए इसको, दूसरे अर्थ से मैं साइंस के अर्थ से समझा रहा हूं, आप समझिए। ये वस्तु है तो इसे बनाने वाला कोई होगा कि नहीं? हाँ या ना? ये पांडाल लगा है तो इसे बनाने वाला कोई होगा कि नहीं? अपने आप तो नहीं लग गया? ये वस्तु है, ये माइक है, ये टीवी है, तो इसे बनाने वाला कोई होगा?
यदि टीवी है तो इसे बनाने वाला भी कोई होगा, माइक है तो इसे बनाने वाला भी कोई होगा, पांडाल है तो इसे बनाने वाला भी कोई होगा, ये ट्यूबलाइट है तो इसे बनाने वाला भी कोई होगा, यदि आप हैं तो आपको बनाने वाला भी कोई होगा, और वो परमात्मा है, उसे ईश्वर कहते हैं, और वो आपको माँ के गर्भ में बैठकर बनाता है, सही व्यवस्थित बनाता है, 9 महीने तक आपको बनाता है, जब पूरी पीस तैयार हो जाती है बाहर कर देता है, जाओ माँ का दूध पियो, और ऐसा नहीं कि तुम्हें भेज करके अपने हाथ खड़े कर लिए, नाना मेरा कोई काम ना, जब दूध था माँ के स्तनों में आपने दूध पिया, अब आप बड़े हो गए, कुछ खाने लगे, भगवान को लगा कि इसे अब दांत देने चाहिए, तो आप में से कोई जाता है डॉक्टर के पास कि डॉक्टर साहब हमारे बच्चे को दांत लगा दो? नाना वो दांत देने की व्यवस्था किसकी होती है? बोलो, परमात्मा की होती है। और दांत दिया उसे दुधिया दांत कहते हैं। बच्चा जब 5-7 साल का हो जाता है, 8 साल का, भगवान को लगता है ये तो चने चबाने लगा, तो वो दांत गिरा के भगवान अब बढ़िया कंपनी वाले दांत लगवाते हैं जो बुढ़ापे तक चलेंगे आपको। अब बताइए ये व्यवस्थाएं किसकी हैं सारी? आप कहते हैं कि भगवान है तो सबूत दीजिए, मैं सबूत दे रहा हूं कि भगवान की ये देखिए कार्यलीला कार्यशैली किस प्रकार परमात्मा कार्य करता। अब ईश्वर ये रोज कार्य कर रहे हैं, सबके साथ कार्य कर रहे हैं, अब फिर भी तुम्हें ना दिखाई पड़े ना समझ में आए तो